75 साल हो गए देश को याद हुए, 75 साल मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी, क्या मिला इनको? वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए, अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं, सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों का, शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, कितने शहीद हुए 22-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए, लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता, ये देखो ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में, ये मिला है। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठी चार्ज के निशान है। शर्म नहीं चाहिए नेताओं को? ये मेरे पास पड़ा सीपीएल वालों। अच्छा, ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं, ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी हैं मेरे, युवा साथी हैं, ये बता दो, किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया? किसी नेता का बेटा आपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना, उनके तो पैदा होते ही चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होते ही मंत्री, पैदा होते ही विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 75 साल हो गए यार, कुछ तो कर देते, कुछ तो कर देते। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की उम्मीदें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत हैं भाई साहब, बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था आज से 7-8 साल पहले कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो, जो चेयरमैन मंत्री बन के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं।